पाँच दिवसीय दिवाली का पर्व आने को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बता दें कि 10 नवंबर को धनतेरस और 12 नवंबर को धूमधाम के साथ दिवाली मनाई जाएगी। ये दोनों दिन माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का एक खास मौका होता है, लेकिन कई बार व्यक्ति इन दो दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो उसको कंगाली की राह पर ले जाती है। उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो धनतेरस और दिवाली के दिन किसी को भी देने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहली वस्तु की, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दिवाली के दिन भूलकर भी झाड़ू का दान नहीं करना चाहिए। धनतेरस पर झाड़ खरीदना शुभ होता है और झाड़ू का दान करना आपको आर्थिक संकट में डाल देता है। बता दें कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और दिवाली के दिन खास तौर पर लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ऐसे में इसका दान करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। दूसरी वस्तु का नाम है प्याज लहसुन। जी हाँ, धार्मिक दृष्टि के अनुसार धनतेरस के शुभ पर्व पर लहसुन और प्याज का दान करें, क्योंकि इन दोनों चीजों का दान करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसी के साथ मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन भी लहसुन प्याज दान नहीं करना चाहिए। अगली वस्तु है नमक। बता दें कि धनतेरस के दिन नमक खरीदना तो बहुत शुभ माना गया है, लेकिन अगर बात करें दान की तो इस दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे राहु का प्रकोप बढ़ जाता है और देवी लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती हैं। इतना ही नहीं, दिवाली के दिन भी नमक, चावल, चीनी, शक्कर और दूध से बनी वस्तुओं को दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सफेद वस्तुओं में माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी के महादिन पर इन चीजों का दान करने से आपके भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आती है। तो वहीं जैसा कि हम सभी जानते हैं, धनतेरस और दिवाली पर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और माँ लक्ष्मी धन की देवी है, तो ऐसे में धनतेरस और दिवाली के शुभ पर्व पर किसी को भी पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये दोनों दिन बेहद खास होते हैं। माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए इस दिन किसी को धन दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप देवी लक्ष्मी को अपने घर से विदा कर रहे हैं। बताते चलें कि धनतेरस व दीपावली पर किसी को भगवान गणेश या माँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए और ना ही सरसों का तेल दान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो इन चीजों का दान धनतेरस और दीपावली पर न करें। कुंडली टीवी डेस्क से ताने की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।